किसी ने क्या खूब कहा है, इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव यू विल गेट मोर इन लाइफ, इफ यू कीप लुकिंग फॉर व्हाट यू डोंट हैव इन लाइफ यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड। जो आपके पास है अगर आप उससे संतुष्ट रहोगे तो आपको जीवन में और मिलेगा। यदि आप यही देखते रहोगे कि जीवन में आपके पास क्या नहीं है तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। दोस्तों, जीवन में हमें खुशियां भी मिलती हैं और गम भी मिलते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं जिंदगी आसान तो नहीं होती, लेकिन हम जिंदगी जीने का सलीका जरूर सीख जाते हैं। ऐसे ही दूसरे महानुभावों के जिंदगी जीने के अनुभव हमारे लिए प्रेरणादायक भी होते हैं और मूल्यवान भी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे एंड आई एम आल्सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स, आज दूसरा दिन है फ्लड लाइफ का, तो ये मेरा छोटा सा किचन है जो हमने ऊपर छत पे बना लिया है, और ये शारिक मछलियां पकड़ने के लिए निशाना लगाने के लिए अपनी बंदूक लेकर आए हैं और हम जा रहे हैं मछली बनाने। और ये है जिंदगियों को बर्बाद करने वाली प्रकृति की खूबसूरती। ये है नेचर, बेचारे कबूतर भी परेशान है। ये मेरा तालाब, अपनी मछलियां मालूम नहीं कहां गई। सारी मछलियां खत्म। सबसे ज्यादा स्ट्रगल सारिक बाबू कर रहे हैं, देखो अभी ने नीचे जाना है। पावर बैंक का मोबाइल क्या रहा कनेक्ट करवा, वही लागू जहाँ मिल जाता। हाँ तो एंजॉय। अल्लाह ताला ने क्या कहा, आगे तुम कहीं घूमने नहीं जा रहे हो, एंजॉय कर लो थोड़ा सा। वीडियो कॉलिंग बात करते हैं। जिंदगी इतनी आसान होती है ना लोगों की, तो ये सब मालूम ही नहीं होता कि ऐसी भी लाइफ होती है। खाना बदमाशों की जिंदगी गुजारना कितना आसान होता है वो अब हमें मालूम हो रहा है।
चट्टान के नीचे सोना, चांद और तारे देखना एकदम अलग ही अनुभव है और बचपन की याद ताजा हो गई कसम से। बचपन में जब सब लोग हुआ करते थे तो हम लोग छत पर आते थे और गरीबों की जिंदगी महसूस करनी हो तो वो भी दिखाएं आप लोगों को। यहाँ से कुछ दूर पर ये जो आपको घर दिख रहे होंगे ना, ये सब अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। हमें भी कह रहे थे कि आप लोग भी चलो, लेकिन अम्मा बीमार हैं, उनको यहाँ से नीचे ले जाना और फिर हटाना बहुत मुश्किल काम है। और ऐसा लग रहा है कि अब पानी कम हो रहा है, थोड़ा सा कम होता है फिर बराबर हो जाता है, रात से ऐसा देखने में लग रहा है। तो फिर जो अल्लाह ताला करेंगे सब बेहतर करेंगे। मौत तो बरहक है ही, एक दिन आनी ही है, लाइफ है, एंजॉय कीजिए खुशी से, गम से, तकलीफ से। हम तो चले जाएं लेकिन इन सबका क्या होगा, कहाँ लेकर जाएंगे किसके। अच्छा से एक बात है कि आज अब्बा को एहसास हो रहा है कि हमें ऊपर भी कुछ रूम बनाने चाहिए थे। पहले वो कहा करते थे कि क्या करेंगे ऊपर घर बनाकर, नीचे ही सही है, लेकिन अब एहसास हो रहा है किसी ने कहा है लाइफ टीचर्स अस एनी लेसन एवरी डे। जिंदगी हर दिन हमें कोई ना कोई नया सबक सिखाती है। हर पल हर वक्त इंसान को नए नए सबक सिखाती रहती है। कौवा मामा आए हैं, खाना हो तो आ जाओ ईशु, खाना हो तो आ जाओ, तुम्हारी मनपसंद फेवरेट अच्छी बनी है। लोगों ऑस्कर वाइल्ड ने कहा कि जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती और शायद ये हम में से अधिकतर लोगों के लिए अच्छा भी है। लाइफ इज नेवर इजी। रात को मेरे हाथ पर मछली सारी के साथ सारा ख्याल रखना और अपनी दुआओं में याद रखना और दुआ करना कि पानी जल्दी से ख़त्म हो जाए। बहुत ही परेशानी हो रही है, पीने के लिए पानी नहीं बचा है और खाना बहुत ज़्यादा, तो हम अनाज लेकर आए नहीं थे और जो नीचे स्टोरेज में अनाज रखे हुए थे वो सब भीग चुके हैं। तो दुआ करना और अपनी दुआओं में याद रखना।